कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ दिनों पहले एक भक्त से बात हो रही थी, तो बताए थे कि उनका एक अपने मित्र से बात होने लगी। उनके मित्र बहुत साल बाद उनको फ़ोन किए कहीं, तो मतलब तो वो किसी और कॉलेज में पढ़ रहे थे, किसी और कॉलेज में पढ़ रहे थे, ये भी फोर्थ ईयर में पास आउट हो गए, वो भी पास आउट हो गए। तो ऐसी चर्चा होने लगी कैसा चल रहा है, वहाँ जॉब लग गया। बोला हाँ, इन्फोसिस में लग गया, 3.6 का पैकेज दे रहा है। वह तुम्हारा क्या चल रहा? तो उसके दूसरे फ्रेंड का IIT धनबाद सब में हो गया था, तो उसको बोला तुम्हारा कैसा पैकेज लगा? तो बोला मेरा 21 लाख का पैकेज लगा। तो इनको थोड़ा सा लगा एक बार, कह रहे मेरा 3.6 थी उसका 21। लेकिन फिर ये सोचे कि नहीं, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं 3.6 में, मेरे कोई दिक्कत कि भगवान का भक्ति करें, कितना बढ़िया अच्छा है, आनंद है। फिर उनके किसी और मित्र से बात होने लगी, उसी के जो फ्रेंड ग्रुप थे वो लोग बचपन के। तो बताया वो बड़ा दुखी है, 21 लाख वाला बेचारा बड़ा। बोले क्यों? बोले वो उसका एक दूसरा फ्रेंड उसका 81 लाख का लग गया। इसीलिए बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि मेरा 21 का लगा उसका। तो भक्तिवेन ठाकुर बताते हैं कि नाम जप करने में एक बाधा आती है, उसको बोलते हैं तत्व विभ्रम। तो तत्व विभ्रम मतलब आदमी समझ नहीं पाता है अपने तत्व को, कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान को संतुष्ट करने से ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। जिस प्रकार से अगर एक पिंजड़े में एक पक्षी को रख दिया जाए और उसका मालिक को तत्व विभ्रम हो जाए कि अगर पक्षी को खुश रखना है तो उसे अच्छा पिंजड़ा देना होगा, अच्छा पैकेज देना होगा। ठीक है, पिंजरा अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, लेकिन अगर उसको मालिक को भ्रम हो जाए कि नहीं पिंजरे पे उसके सुख दे, और मान लीजिए 2 दिन से उसने पक्षी को खाना नहीं दिया है, पक्षी रो रहा है, और वह सोचे कि पक्षी रो रहा है क्योंकि पिंजरा है, अभी पीतल का पिंजरा है, इससे वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, मुझे उसको सुखी करने के लिए क्या करना चाहिए, चांदी का पिंजरा देना है। तो चांदी का पिंजरा लेके आता है 10 लाख रुपए में, फिर भी पक्षी तो चांदी का पिंजरा जैसे देगा वैसे पक्षी के मुंह में क्या आ जाएगी, स्माइल है कि नहीं, क्या आ गया नया नया पिंजरा है, पक्षी खुश हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, पक्षी खुश नहीं होगा, समझ रहे? फिर भी रोता रहेगा, भूख लगी हो। फिर सोचे अच्छा, चांदी से नहीं होगा काम, लगता है सोने का पिंजड़ा, सोने का पिंजड़ा ले आए मान लीजिए 1 करोड़ रुपये में, तब पक्षी तो अब खुश हो ही जाएगा, 1 करोड़ का पिंजड़ा हो जाएगा। हाँ नहीं, समझ रहे? तो इस प्रकार से दुनिया में लोग सोचते हैं पैकेज बदल देने से क्या बोलते हैं पक्षी संतुष्ट हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। तो आप कैसा भी पिंजरा रखें लेकिन पक्षी को बढ़िया से खाना मिलना चाहिए। वैसे जीवन में आप जो भी काम करें वो सेकेंडरी है, आप 4 लाख के पैकेज में काम करें, 10 लाख 20 लाख 100 लाख भगवान जैसा दे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पक्षी को खाना देना बहुत जरूरी। वैसे ही ये 16 माला करना किसके समान है, पक्षी को। इसलिए वो अगर कोई अच्छे से करेगा तो बाकी जीवन में वो अरबपति रहे, करोड़पति रहे या रोडपति रहे, संतुष्ट रहेगा। इसलिए ये जब सेवा बहुत ध्यान से करनी चाहिए, इसके ऊपर ही आपका वास्तविक सुख और दुख निर्भर करेगा।
कृष्ण भक्तों को बड़े लग्न से, बड़े प्रीत से, बड़े उत्साह से, कितना भाग्यशाली हूँ प्रभुपाद जी कृपा से मुझे सच्चा रत्न मिल गया, क्योंकि इस दुनिया का सुख दुख तो एकदम क्षण भंगुर है, समझ रहे हैं? जैसे कल सुबह 10-9 बजे इतना बारिश हो रहा था कि प्रसाद छत पे नहीं करके नीचे करना, फिर 12-1 बजे इतनी धूप हो गई कि लगा कि अब तो बारिश नहीं होगी। तो मैं हमसे एक भक्त पूछ रहे थे, पूजी कुछ काम करवा ले क्या? बोला अब तो धूप हो गई पूरी, अब तो लग रहा है कोई दिक्कत, इतनी धूप हो गई अब तो लग रहा है 4-5 घंटे। ठीक 1.5 घंटे बाद ये ऐसा बारिश फिर बरसी। तो इस दुनिया में बाहरी दृष्टिकोण से नहीं जाना चाहिए, अरे अभी धूप है, अभी बारिश है, कभी बदल सकती। वास्तविकता यही है कि अपना भगवान से रिश्ता जोड़, इसलिए अपनी सुनना माला अच्छे से करना चाहिए, पूरी श्रद्धा से, एक विश्वास के साथ, तब जाके हमारी आत्मा तृप्त होगी और भगवान की कृपा कटाक्ष रहेगी, हम जीवन में समृद्धशाली, सुखी और शांत रहेंगे। प्रणाम प्रभु की।